उसको और आसान काम
फिर मजलिस में डाल दिया और इस तरह से वो कई साल रहा, शादी हुई, फिर उसके बच्चे को भेजा दिया, वो रहा चला गया बच्चा को लेके, और आखिरकार उसने तफरी के नाम को अरबी सीखो तो उसने अरबी सीखी अली बा से, और अरबी सीखा अरबी बोलना पहले जान गया था और अच्छी तरह से जान गया, और इस तरह से वो अरबी रिटायर होने से पहले महकमे में मुतरजिम का काम लगा दिया और आज वो कर रहा है 1 लाख इंडियन से ज्यादा उस शहर की है 1.5 लाख। मैं इसलिए ये बयान किया कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं जो आवाम को कुरान से रोकते हैं, क्यों से रोकते हैं, ताकि वो जानवर बन रहे हैं, गंदे बन रहे, और हम जैसे जाने बचाए और आज बचा रहे हैं। जिस तरह जानवर के नाक में रस्सी डाल देते हैं नकली और उस रस्सी में डोरी बांध के एक बच्चे को बहा दो, ऊंट क्यों रहो, वो बच्चा निकल जाएगा, ऊंट को उधर ही जाना है। आवाम यहाँ की खासियत बेचारे जानते नहीं, दिन को पढ़ते नहीं, दिन को सोसाइटी मिल रही, उनके वाले को सिखाया नहीं। अब यहाँ के जो आई डी पेट के मुल्ला है वो ये जानते हैं कि ये जान ही नहीं है, ताकि ये जैसे हम चाहें वैसे बचा रहे हैं, और ये नाच रहे हैं उनको बचा रहे हैं, और जैसे उसका दादा जो था वही खलीफा था, तो खलीफा
कि हम सब को कुरान पढ़ना चाहिए, अपने घर में बैठे बच्चों को लेके बैठे और एक आदमी कुरान पढ़े तर्जुमा के समझ के, और हदीस कम से कम 5 पढ़े डेली। चंद दिनों में देखेंगे कि आपके घर में अल्लाह कैसी बरकत नाज़िल करता है, आपके मसाइल को परेशानियों को दूर कर देगा और आपके घर में बरकत रहमत नाज़िल करना शुरू करेगा अल्लाह तआला। आजकल लोग परेशान हैं, हम परेशान हाल रही है, अपना आप जायजा ले कि हम क्या कुरान की खिदमत कर रहे हैं, हदीस की खिदमत कर रहे हैं, कुरान वालों की खिदमत कर रहे हैं, मसाजिद की खिदमत में हमारा क्या रोल है। पर तो ये सोचना चाहिए और इस पर हमें पैरा प्रैक्टिकल करना चाहिए, अगर हम करें तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ अच्छा करेगा। अरब क्यों खुशहाल है, वो बड़े इंजीनियर और डॉक्टर नहीं है, 40 साल पहले भी सही इंजीनियर डॉक्टर होते थे, लेकिन हमसे अच्छा खाते हैं, हमसे अच्छे घर में रहते हैं, हमसे अच्छा अच्छी गाड़ियाँ बेहतरीन दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ होंगे हैं, क्यों है क्यों है सोचे, वो तो बड़े इंजीनियर डॉक्टर नहीं होते, पैसे से पूरा। चल हिस्सा लेते हैं, थोड़ा देते हैं।